टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश रीडर जनरल सीरीज क्लास 7th लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट मीन्स ये पार्ट फर्स्ट है इस स्टोरी का. द वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति. स्टोरी का पार्ट फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम. क्या आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या है. बार्टर सिस्टम यानी होता है वस्तु विनिमय करना, यानी अपनी चीज के बदले दूसरी चीज को लेना. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज इट यूज्ड, ये कब उपयोग किया जाता था. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल. एक हॉर्स ट्रेनर था, यानी घोड़ों को ट्रेनिंग देने वाला एक व्यक्ति था भोपाल में, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए कार्य करता था. हिज नेम वाज भोला, उसका नाम भोला था. एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था. व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर हुआ, मीन्स जब वो सेवानिवृत्त हो गया. द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट एंड सम मनी, तो नवाब ने उसे घोड़े का एक बच्चा दिया और कुछ रुपए दिए. व्हेन द कॉल्ट ग्रू अप टू बी अ हॉर्स, जब वह घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ और एक घोड़ा बन गया. दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फूडर, तो उन्होंने महसूस किया कि ये तो बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा चारा खाता है. फूडर मीन्स पशु आहार, मीन्स ये बहुत सारा आहार खाता है. सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, इसलिए शांति और भोला ने यह निर्णय लिया कि हम इसे किसी और चीज़ के बदले में बदल लेंगे. दिस इज वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट. अब देखिए उसके बाद में क्या होता है. अभी स्टोरी स्टार्ट होती है. अब शांति कहती है, शांति टोल्ड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, मीन्स इस घोड़े को खिलाना तो बहुत खर्चीला है. भोला, यस इट इट्स लाइक एन एलिफेंट, हाँ ये घोड़े के हाथी के समान खाता है. शांति, इफ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे, वी विल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज, तो हम कुछ दिनों में गरीब हो जाएंगे. भोला, ओ यस, अरे हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, क्या मैं इस घोड़े को मार्केट में ले जाऊँ और इसे बेचने की कोशिश करूँ. शांति, यस इट इज़ अ राइट डिसीजन, हाँ ये एक सही निर्णय है. भोला, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, अब भोला पूछता है कि तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी. शांति, जस्ट एनीथिंग, यानी कुछ भी आ जाए. दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा तो बहुत ज़्यादा खाता है. भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी, मीन्स आप मुझसे नाराज मत होना. इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, यदि मैं अच्छा मोलभाव नहीं कर पाऊँ. बार्गेन मीन्स मोलभाव. शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी तुमसे शिकायत की है. शांति कहती है. भोला, नो नेवर, नहीं आपने तो कभी नहीं की. शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, यानी आप इसी समय निकल जाइए, आप तुरंत निकल जाइए वरना देर हो जाएगी. भोला रिचेस द मार्केट, अब भोला बाजार पहुंचता है. ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, वो एक आदमी को देखता है जिसके पास एक डंकी था, एक गधा था. ही थिंक्स ए डंकी टू बी मोर यूजफुल देन ए हॉर्स, वो सोचता है कि एक डंकी तो एक हॉर्स से भी ज़्यादा उपयोगी है. भोला, हेलो जेंटलमैन, भोला कहता है कि हेलो, नमस्ते महाशय, विल यू गिव मी यूर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या आप इस घोड़े के बदले में अपना गधा मुझे देंगे. द मैन, ओ व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं. यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर यूर हॉर्स, आप अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो. भोला टुक द डंकी, अब भोला ने डंकी को लिया. ही वॉकड ए फ्यू वर्ड्स, और वो कुछ कदम चला. ही सॉ अ वुमन विथ अ शिप, अब उसको एक महिला दिखी जिसके पास एक शिप थी. शिप मीन्स एक भेड़ थी. ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, उसने सोचा कि मेरी पत्नी तो भेड़ के बदले डंकी के बदले में भेड़ को ज़्यादा पसंद करेगी. सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वो उस महिला के पास में गया. भोला ने कहा, हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव यूर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, वो भोला कहता है कि हेलो नमस्ते सुंदर स्त्री, क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ देना पसंद करेंगी. द वुमैन, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, हाँ अत्यंत खुशी के साथ. यू कैन हैव माई शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस गधे के बदले में मेरी भेड़ ले सकते हो.
वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी इन द मार्केट, जब भोला भेड़ों के झुंड के पास से गुजर रहा था, भोला सा बॉय कैरिंग अ हैन, तो उसने देखा कि एक लड़का अपने हाथ में हैन को लिए हुए जा रहा है, एक मुर्गी को लेके जा रहा है। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, और तो उसने सोचा कि ये तो शीप से भी कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वो लड़के के पास में गया। भोला, हेलो लिटिल एंजल, यानी भोला ने कहा कि कहिए छोटे देवदूत, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज यूर हैन फॉर माई शीप, क्या आप मेरी भेड़ को अपनी मुर्गी से बदलना पसंद करोगे। द बॉय स्माइलिंग, अब लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर यूर शीप, हाँ आप मेरी मुर्गी को अपनी भेड़ के बदले ले सकते हो। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोस, तब भोला को एक लड़की मिली जो हाथ में आम से भरी हुई टोकरी लिए हुए थी। भोला, लिटिल फेरी, भोला बोलता है, हेलो नन्नी परी, वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपकी डलिया में क्या है। द गर्ल, ग्रीन मैंगोस, अब वो लड़की कहती है कि हाँ हरे हरे आम हैं। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोस विल मेक डिलीशियस चटनी, मीन्स मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है और इन आमों से बहुत टेस्टी चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोस इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या आप मेरी मुर्गी के बदले में आप मुझे आम देंगी। द गर्ल, डज इट ले एग्स, अब वो लड़की ने पूछा कि क्या ये अंडे देगी, क्या अंडे देती है। भोला, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ बिल्कुल देती है। द गर्ल, ऑल राइट, तो लड़की ने कहा बिल्कुल ठीक है, यू कैन हैव दिज मैंगोस एंड गिव द हैन टू मी, तो आप इन आमों को ले लीजिए और मुझे उसके बदले में हैन दे दीजिए। भोला टुक द मैंगोस एंड हैंडेड ओवर द गर्ल हैन टू द गर्ल, अब भोला ने आम ले लिए और लड़की को मुर्गी दे दी। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।